नमस्कार दोस्तों, एक एरोदम आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम आपके लिए लेके आए महाकल्याण घर। दोस्तों आज के वीडियो में हम आपको महाकल्याण घर बना के दिखाएंगे, उसके होने वाले फायदों के बारे में बताएंगे और इसको उपयोग करते समय कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए, किस तरह इसको उपयोग करना चाहिए, वो सब कुछ आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे। दोस्तों महाकल्याण घर बनाने की डिमांड हमारे एक न्यूजीलैंड सब्सक्राइबर ने की थी, तो उसकी डिमांड पर हम आज का वीडियो बना रहे हैं। दोस्तों अगर आप किसी भी औषधि के बारे में जानना चाहें, उसके बनाने की विधि के बारे में जानना चाहें, तो आप कमेंट कीजिए, हम आपके यथासंभव आपकी कमेंट पे वीडियो बनाएंगे। दोस्तों महाकल्याण घर बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छी औषधि है। इस तरह की तीन औषधियाँ हमारे आयुर्वेद शास्त्रों में मिलती हैं, एक है महाकल्याण घर, एक कल्याण घर और एक फल कल्याण घर, या उसे फल घर भी बोलते हैं। दोस्तों तीनों ही औषधि लगभग एक जैसा रोल है, लेकिन इसमें जो सबसे अच्छी औषधि है वो है महाकल्याण घर मेरे नज़रिए से। क्योंकि दोस्तों कल्याण घर और महाकल्याण घर का मुख्य अंतर ये है कि स्नेह सिद्धि के लिए जो औषधि कल्याण घर में ली जाती है उसकी दुगनी मात्रा में महाकल्याण घर में ली जाती है। इसके अलावा कल्याण घर में स्नेह सिद्धि के लिए पानी का प्रयोग किया जाता है, जबकि महाकल्याण घर में दूध के साथ स्नेह सिद्धि की जाती है। तो चलिए आज हम आपको महाकल्याण घर बना के दिखाएंगे। तो दोस्तों महाकल्याण घर की सारी औषधियाँ आपके सामने रखी गई हैं। इन औषधियों को एक एक करके पहले मैं आपको इनका परिचय कराऊंगा। दोस्तों औषधि जितनी अच्छी हो सके, जितनी ताज़ा हो सके, उतनी ताज़ा लेने की कोशिश करें, तो आपकी जो औषधि तैयार होगी वो बहुत ही अच्छी और फायदेमंद होगी। तो चलिए एक एक औषधि के बारे में आपको बताता हूँ। दोस्तों हमारी पहली औषधि है अनंतमूल, इसको सारीवा भी कहते हैं। दूसरी औषधि है हल्दी, इसके अलावा दारू हल्दी, सालपर्णी, पृष्णपर्णी। दोस्तों सालपर्णी पृष्णपर्णी दसमूल के इंग्रेडिएंट हैं। इसके अलावा ये है फलिनी, जिसको प्रेंगू के बीज कहते हैं। ये है हरड़ बहेड़ा। दोस्तों हरड़ बहेड़ा आंवला यानी त्रिफला इसमें लेना होता है। दोस्तों आंवला हमें ताज़ा मिला, तो हमने ताज़ा आंवला इसमें उपयोग किया है। यह है इंद्रायण की मूल यानी विशाला, जिसे बोला जाता है, बड़ी इलायची, देवदारू, सतालू या जिसे आड़ू नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों यह है तगर, जिसे नत्ता नाम से जाना जाता है, ये सुगंधित औषधि होती है। यह है व्रती यानी बड़ी कटेरी, जिसे बड़ी कंटकारी भी कहा जाता है। यह है कुष्टा, कुष्टा यानी कूट। दोस्तों इसके अलावा हमें मिलाना होता है इसमें मंजिष्ठा, जो कि मंजीठ नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा नागकेसर, ये अनार के छिलके हैं, ये हमने ताज़ा लिए हैं। ये है वाइविडन, तालीस पत्र, छोटी इलायची, उत्पला यानी नीलकमल के फूल, दंती। इसके अलावा इसमें डाले जाते हैं पदम काष्ठ, सफ़ेद चंदन, मालती यानी मोगरा के फूल और दूध और घृत यानी गो दूध और गो घृत, इसके जो मुख्य इंग्रेडिएंट हैं वो हमें इसमें लेने होते हैं। तो दोस्तों इस तरह से कुल मिला के ये 29 औषधियाँ यानी 29 मेडिसिन हैं, जिनको मिला के हमारा महाकल्याण घर का निर्माण होगा। तो दोस्तों इसका निर्माण कैसे करना है वो पूरा मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले इन औषधियों को मोटा मोटा यवकूट कर लें। जो औषधियाँ ताज़ा हों उनको कूटने की जरूरत नहीं है, उनको एक साथ कूटा जाएगा, लेकिन जिन सभी औषधियाँ जो भी कूटी जाए उनको मोटा दरदरा कूट लें। तो दोस्तों सबसे पहले इन औषधियों का कल्प तैयार करते हैं। तो चलिए पहले आपको कल्प बना के दिखाता हूँ, फिर एक एक चीज आपको अच्छे से करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है कि सभी औषधियों को कल्प तैयार करना है। कल्प तैयार करने के लिए दोस्तों इन औषधियों को इमामदस्ते में डाल के दूध के साथ इनको अच्छे से कूट लें, तो दोस्तों आपका कल्प तैयार हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों इस औषधियों का स्नेह सिद्ध आपको करना होगा। स्नेह सिद्धि के लिए दोस्तों जितनी आप घृत लेते हो उसका चौगुना आपको दूध लेना होता है, और जितनी भी औषधियाँ ये लेनी होती हैं एक एक तोला औषधि लेते हैं तो 750 ml आपको घृत लेना होता है और दूध लेना होता है 3 लीटर के करीब। तो दोस्तों इस तरह से ये औषधियों की आवश्यकता होगी। दोस्तों जो महाकल्याण घृत है उसके गुण और उपयोग के बारे में आपको बताता हूँ। दोस्तों महाकल्याण घर रक्त की शुद्धि करता है, इसके अलावा पुरुषों में ये रति शक्ति को बढ़ाता है। दोस्तों जिन महिलाओं को गर्भ नहीं ठहरता या फिर बार बार मिसकैरेज हो जाता है या गर्भ स्राव हो जाता है, उनके लिए ये बहुत फायदेमंद है। दोस्तों पाया गया है कि कुछ महिलाओं को 2-3 महीने बाद गर्भ अपने आप स्रावित हो जाता है या मिसकैरेज होता जाता है, उसमें ये बहुत अच्छा काम करता है। इसके अलावा
यूट्रस में ब्लड एंटीजन बनने की वजह से या किसी अन्य वजह से जो बच्चा है वो एनेमिक होके पेट के अंदर ही ख़त्म हो जाता है, जिसके वजह से बच्चा जिंदा बाहर नहीं आ पाता, तो दोस्तों उसमें भी ये औषधि बहुत अच्छी काम करती है। इसके अलावा कहा गया है कि इस औषधि के सेवन करने से बांझ स्त्री भी मातृत्व सुख प्रदान कर सकती है। तो दोस्तों चलिए आज मैं आपको ये बना के दिखाता हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि कोई भी स्टील या पीतल की कढ़ाई ले सकते हैं जो जिसमें कलाई की गई हो, या फिर किसी बर्तन में या टोप में आप सबसे पहले गाय का घी डालिए, उस घी को गर्म कीजिए। जब गाय का घी हल्का गर्म हो जाए तो उसके अंदर जो हमने कल्क तैयार किया था वो कल्क आपको उसके अंदर डालना होता है। दोस्तों कल्क को इस घी के अंदर डाल दीजिए और उसके बाद में इसे चम्मच या पलटे की सहायता से अच्छे से मिला दीजिए। तो दोस्तों ये आपको गाय का घी ही इसमें लेना चाहिए, अन्य घी के वनस्पत गाय का घी ही सर्वश्रेष्ठ है, शास्त्रों में गाय के घी के बारे में ही बताया गया है। तो दोस्तों इसको चम्मच की सहायता से अच्छे से पूरे घी में मिला दीजिए। उसके बाद जितना आपने स्नेह लिया है उसके चौगुना आपको इसमें गाय का दूध डालना होता है और दोस्तों उसको आपको जलाना होता है। तो इसमें हम गाय का दूध डाल देते हैं। तो ये हमने गाय का दूध इसमें स्नेह से चौगुना डाल दिया है। तो दोस्तों गाय का घी डालने के बाद हल्की आंच पे आपको इसको गर्म करते रहना है। दोस्तों आप कढ़ाई का भी उपयोग कर सकते हैं, लेकिन कढ़ाई अगर लोहे की होगी तो इसमें आंवला है जिसकी वजह से घी का काले होने का चांसेस रहते हैं। तो पहले आप टोप में कर लीजिए और अगर आपको लगे कि हाँ टोप में घी लग रहा है तो कढ़ाई में ले लीजिए। मैंने ऐसा किया था क्योंकि स्टील की और पीतल की कढ़ाई मिलना थोड़ा सा असंभव रहता है, जल्दी से नहीं मिल पाती। तो दोस्तों इसको बिल्कुल हल्की आँच पर आपको पकाना है। दोस्तों इसको पकाने के लिए बताया गया है, स्नेह सिद्धि में अगर आप दूध का प्रयोग करते हो तो आपको दो दिन तक इसको पकाना होता है। दो दिन का मतलब ये है कि दोस्तों कम से कम 16 से 20 घंटे तक आपको इसको पकाना पड़ेगा। तो हमारा ये काम हमने शुरू कर दिया है और ये हल्की आंच पे धीरे धीरे पक रहा है। तो दोस्तों इसको बर्नर को बिल्कुल हल्की आंच में रखना है और इसमें दो दिन का समय लगता है, तो आप बिल्कुल धीरे से इसको आराम से धीरे धीरे पकाते रहें, क्योंकि दोस्तों जितना टाइम लगेगा उतना ही अच्छा स्नेह सिद्ध होगा। दोस्तों कम से कम दो दिन आपको इसमें लगने चाहिए। दोस्तों पलटे की सहायता से हल्के हाथ से इसको चलाते रहें ताकि स्नेह या औषधि नीचे तलवे पे न लगे और जलने का चांसेस भी ना रहे। दोस्तों अगर आपको लगे कि इसका दूध जल गया है और वहाँ पे नीचे लगने के चांसेस हों तो आप इसको कढ़ाई में भी ले सकते हैं, क्योंकि दोस्तों अब ये काले होने का चांसेस नहीं है। तो अब हम इसको कढ़ाई में ले लेते हैं ताकि इसको सेकने में आसानी रहे। दोस्तों जब कढ़ाई में इसको ले लेते हैं उसके बाद आपको ये देखना होगा कि स्नेह सिद्धि की परीक्षा कैसे की जाती है। दोस्तों इसके तीन चार तरीके बताए हैं और बिल्कुल सटीक बताए हैं। दोस्तों कहा गया है कि स्नेह सिद्धि को देखने के लिए आपको कोयले पे जो अंगारे होते हैं या जो खीरे बोलते हैं हम नॉर्मल भाषा में, तो उस पर आपको घी को डाल के देखना है। अगर उसमें कोई चटचट की आवाज़ ना आए तो ये समझ लेना चाहिए कि आप स्नेह सिद्ध हो चुका है। दोस्तों पहले आप सिंपल देख लीजिए, मैं साधारण घी डालता हूँ इस पर तो कोई आवाज़ नहीं आ रही, जबकि जो हम स्नेह सिद्ध कर रहे हैं वो अगर इस पर डालते हैं तो अगर आवाज़ आएगी तो ये इसका मतलब ये हुआ कि हमारा स्नेह सिद्ध नहीं हुआ। तो ये देखिए इसमें आवाज़ आ रही है, इसका मतलब ये है कि स्नेह सिद्ध नहीं हुआ। अभी हमें थोड़ी देर और इसको पकाना पड़ेगा। दोस्तों नॉर्मली इसमें 16 से 18 घंटे लग जाते हैं। तो दोस्तों इसको हल्की आँच पर आप करें, जितनी हल्की आँच पर करेंगे उतना ही अच्छा आपका घर तैयार होगा। दोस्तों एक ये भी कहा गया कि अगर जो हमारा कल्क है उसकी बत्ती बनने लग जाए तो स्नेह सिद्ध माना गया है। तो चलिए मैं आपको दोबारा करके दिखाता हूँ और अभी इसमें मैं डालता हूँ, देखिए और अब बिल्कुल कोई आवाज़ नहीं आ रही, तो हमारा लगभग स्नेह सिद्ध हो चुका है। जब आपका घृत सिद्ध हो जाए उसके बाद आपको क्या करना है कि इसको कढ़ाई को नीचे उतार के और चलने की सहायता से किसी बर्तन में इस घी को छान लेना है, और छानने के बाद दोस्तों इसको थोड़ा ठंडा होने दें। ठंडा होने के बाद आप किसी भी अच्छे एयर टाइट वाले बर्तन में डाल के इसको पैक कर दीजिए। तो दोस्तों नॉर्मली आपका घृत तैयार हो जाएगा और आपको मैं बताता हूँ इसको प्रयोग कैसे करना है। दोस्तों महाकल्याण घृत का उपयोग उन्माद, अपस्मारक, हिस्टीरिया, दिमाग की कमजोरी या भूतोन्माद या मस्तिष्क की किसी तरह की कमजोरी में ये बहुत ही फायदेमंद है। इसके अलावा तुतलापन, पांडू, अग्निमांद, कंडू,
या सूजन आ जाना, काश, श्वास, परमेह, ज्वर, बार बार ज्वर आना या फिर वात रोग, जुकाम जैसे रोगों में बहुत अच्छा काम करते हैं। दोस्तों ये खास तौर से बांझपन, बुद्धि की कमजोरी, मूत्र खर्च और विसर्प को पूरी तरह नष्ट करता है। दोस्तों ये दिमागी कमजोरी वालों के लिए और बौद्धिक परिश्रम करने वालों के लिए बहुत ही फायदेमंद दोस्ती है। तो दोस्तों इस तरह से छान के आप इसको डाल लीजिए। 6 से 12 ग्राम तक इस घृत का प्रयोग आप सुबह शाम कर सकते हैं। दोस्तों इस घृत को दूध के साथ लेने से बहुत ही अच्छे फायदे मिलते हैं, यानी गाय के दूध के साथ इसका सेवन करें। इसके अलावा दोस्तों इस घृत को आप चाहें तो रेगुलर खाने में भी प्रयोग कर सकते हैं, इसके बहुत से फायदे आपको मिलेंगे। दोस्तों ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही शानदार मेडिकेट घृत है जो कि खासतौर से महिला और पुरुषों में होने वाले किसी भी तरह की कमजोरी को दूर कर सकता है। दोस्तों वैसे तो ये औषधि निरापद है, लेकिन अगर अन्य किसी बीमारी की अगर आपको दवाई चल रही हो, जैसे ब्लड प्रेशर या अन्य बीमारी की दवाई चल रही हो, तो अपने चिकित्सक की सलाह लेके ही इस औषधि का सेवन करें। दोस्तों इस औषधि का सेवन करने से आपको बहुत से फायदे होंगे। तो देखिए ये आपकी औषधि बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब आप इसी औषधि को किसी एयर टाइट वाले ढक्कन या कांच के बर्तन में बंद करके रख दीजिए और जब भी आपको उपयोग लेना हो इस औषधि को आप सुबह शाम उपयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों ये है आपका महाकल्याण घर जो कि आपको बना के दिखाया। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप कमेंट करते हो तो हमें पता चलता है कि हमारा वीडियो कैसा है, हमारा प्रयास कैसा है। तो दोस्तों कमेंट कर जरूर करते रहिएगा और आपके जो पॉजिटिव कमेंट आते हैं उससे हमें एनर्जी मिलती रहती है। दोस्तों अगर वीडियो बहुत अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि जिसको जरूरत हो उसके पास ये वीडियो पहुँच पाए। दोस्तों हम इसी तरह के आयुर्वेद के प्रोडक्ट को बना के दिखाते हैं जो कि शास्त्रों में वर्णित होते हैं। दोस्तों अगर आप भी किसी नुस्खे को या किसी औषधि को बनाने की विधि जानना चाहें तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, हम यथासंभव आपकी कमेंट पे वीडियो बनाएंगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही। एक आयुर्वेदा आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता है। धन्यवाद।